कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुशिया मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुशिया। कौन कौन क्या क्या कोई शराब वराब पी रहे हैं आप लोग ऐसे ही सूखे सूखे बैठे सब पी के बैठे करण कोई कोई लगा रखे टीजे। अरे आपने ब्रांड ही दिखा दिया टीजे सेठी जी सेठी साहब सेठी नाम के लोग जो होते हैं ना इनकी पूरी ब्रोकरों वाली हरकतें होती है मतलब मेरे ये सेठ जान इन, आपको पता है कुछ नाम होते हैं उनमें बंदे को पहला नाम पता ही नहीं होता कुछ नाम ही होते लोग उनके सरनेम से उन्हें जानते हैं सेठी बग्गा अरोड़ा है ना चोपड़ा बग्गा तो ऐसा नाम है मेरे दोस्त मेरा एक दोस्त है बग्गा मुझे कसम से पता ही नहीं उसका पहला नाम क्या है मतलब पता है वैसे पर ऐसे टॉप ऑफ द माइंड नहीं होता। तो एक दिन मैंने घर फोन करा और मेरे को सच में नाम याद नहीं आया यार मैंने कहा आंटी बग्गा है क्या आंटी कह रही कौन छोटा बग्गा है बड़ा बग्गा सॉरी आंटी आर इन्वेस्टमेंट आर पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट राइट मुझे लगता है हमारे बाप माँ बाप ने स्पेशली चलो बापा नहीं उन्होंने ना कई जगह पे इन्वेस्ट नहीं करा हमारी जो सीनियर जनरेशन है इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ऊपर नीचे रही है जैसे मेरे पापा मेरे को लगता है हमारे सीनियर जनरेशन ने कभी ढंग के कच्छों में इन्वेस्ट करे ही नहीं कभी ढंग के कच्चे खरीदते नहीं इनको भाई 50 रुपए वाला कह रहे अंदर ही तो पहनना है वो जो जॉकी की चड्डी का स्ट्रैप नहीं होता वही डिवाइडिंग लाइन है हमारी और हमारे माँ बाप की इन्वेस्टमेंट में चेंज उसका गैप का वो जो चड्डी का डिवाइडिंग वही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे पापा को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जो कच्चे हैं मार्केट में वो 800-900 रुपए के हो चुके हैं उनको यकीन ही नहीं होता है उनको लगता है अभी भी 900 रुपए में दिवाली का पूरा जोड़ा बन जाता है ऐसे पैंट शर्ट दोनों आ जाएगा 900 रुपए में इनको नहीं पता कच्चे हो गए 900-900 रुपए के यार मैं मजाक नहीं मैं अभी रिसेंटली लाया बेनेटॉन से और ऐसे रख दिया था लाके जरा सामने ही रख दिया था तो पापा ने देख लिया और देखते ही शॉक्ड हो गए एकदम कह रहे ये क्या है मैंने कहा क्या है लहंगा है क्या है ये पापा कच्चा है और क्या है इतना महंगा कच्चा कौन पहनता है मैंने कहा पापा दिन भर पहनना होता है यार कंफर्टेबल होना चाहिए ना कह रहे तुम्हें ऐसा कौन सा कंफर्ट चाहिए वहां पे ऐसी कौन सी मैंने तो ये तुम्हारी कंफर्ट चाहिए तुम्हें फालतू का इतना महंगा कच्चा पहनते हो तो उस दिन मेरे को समझ आया यार कि हमारे घर वालों ने इंडियन मर्दों ने कभी ढंग के कच्छों में इन्वेस्ट ही नहीं करा काफी टाइम इसलिए तो बदनाम है इसलिए बदनाम है आप सड़क पे निकल जाओ एक हाथ अंदर ही घुसा पड़ रहा था कुछ आते हुए कहीं भी सड़क पे निकल जाओ आसपास घूम के देख लेना एक हाथ आया घुसा ही रहेगा पता इनको इनको ये भूल जाते हैं कि जनता के बीच में खड़े हैं इनको कुछ नहीं यार कहीं भी हाथ आया मैंने लगा दिया That is why हम बदनाम है you know Indian men they always have their hand on their crotch हमें आदत थोड़ी ना कच्चे पसरे हैं वो जो सस्ता वाला कच्चा खरीदे ना कभी यहाँ से निकालो कभी वहां घुस गया वहां से निकालो इनकी इन्वेस्टमेंट ही सही नहीं रही है यार कई जगह बाकी तो ठीक रही है One hour later अरे नकुल सो गया क्या अरे सो गया सीधा सो गया एक आदमी सो गया यार मेरा फोन देना जा इसका ब्लॉग बनेगा सो गया गोइंग ऑन ना और सो गया भाई ये देखो नकुल सो चुका है मेरे शो में और इतना अच्छा जोक चल रहा था ये सच में सो गया है अरे दुग्गल साहब उठ जाओ बताए नकुल को नकुल का घर बोलो देखो सो गए भाई ऐसा चल रहा है क्या शो बंदे सो ही गए This is the second time in the show he slept off. हाँ, it's okay. कोई बात नहीं. ये पता कैसे उठा मुझे? हाँ. बस सोते-सोते इनकी लार ना निकल जाए वरना बहुत खराब सीन हो जाएगा. अंकल भाई साहब थके हुए हैं मैं देख रहा हूँ. कोई बात नहीं चलो कहा था अब इससे फनी क्या ही होगा बताओ एक शो के अंदर. असली डॉग कॉमेडी पता क्या होगी? कल को खबर आ गई
नकुल को मतलब नकुल दुग्गल तो गया भाई, अरे तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा भाई, क्या कर रहा है ये, कल पता ऐसे उठने वाला है कितना यार, ऐसी नींद कहाँ आती है आज के जमाने में, ये देखो कैसे बच्चे की तरह सो रहा है नींद के लिए मरते हैं लोग, मर जाते हैं दो दो तीन तीन मिनट जाग रहते हैं फोन पे लगे लगे, ये देख रहे हो भाई ऐसा सो रहा है जैसे अभी अभी मतलब नया नया बच्चे को गोदी में ले लूं मैं, ऐसा एकदम बच्चा पैदा हो गया अंजा थोड़ी देर हंसा खेला एक घंटा पूरा लेट लिया भाई, ये तो चश्मा भी उतारने की याद नहीं रही, चश्मा उतार लू मैं कुछ कर लू सीधा, ये कोई वो वाला सीन तो नहीं है, कौन सी कौन सा था वो सीरीज अपना मैथ वाली, कौन ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग बैड, अरे ओ अरे हाइजेनबर्ग के शिकार सो वी विल डू इन द शो अगेन, टिकट्स विल बी अगेन ऑन हंगामा सिटी पे टिकट्स होंगे, सो डू टेल योर फ्रेंड्स इफ यू एट ऑल हैव एनी फ्रेंड्स ओवर देयर, क्या तो अकेले लोनर जिंदगी है ना भाई, एक तो मैं देखता हूं YouTube पे NRIs की ऐसी वीडियो होती है ना, कोई हद ही साहब नहीं, सारे NRI इमोशनल होकर घूम रहे हैं सारे के सारे, कि घर की बहुत याद आ रही है, घर जाना है हमारा भारत देश है तो वापिस आना, किसने रोका तेरे को हमारा भारत देश तो ठीक है पर साफ सड़कें मिल जाए तो ठीक है, बाकी यहीं पे नहीं पर हवा पानी सही रहे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा खुला खुला रहे माहौल तो क्या दिक्कत है, नहीं NRI भाई NRI ऐसे इमोशनल रखे दुनिया में कोई हद हिसाब ही नहीं है सारे, आपने बोले एक तो पता नहीं है NRI लोग मतलब तुम ही सॉरी आपने YouTube पे वीडियो वाले देखे हैं जो ये देखो बैठे बैठे कमेंट पर कंटेंट बन रहे हैं नया, तो YouTube पे वाले देखे सही है कि एक बंदा जाता है फॉरेन और फिरंग किसी फिरंगी लड़की से शादी करके चले आता है घर वापस है ना, तो यूजली उसको लगता है सरप्राइज दूंगा, घर वाले बड़े खुश होंगे वाह वाह ही देंगे, नहीं एक बार तो माने जूती निकाल के मारी है राम जाने सोच रहे वो फ्लाइट लेके आई है यार वहां से 20 घंटे की फ्लाइट लेकर के कनेक्टिंग फ्लाइट सब दुख होकर जाते ही निकाल करके बाहर जूती मारे ननू So hi guys, I hope you liked the video and if you liked it, do subscribe to the channel. और मेरी नकुल से बात हो गई थी भाई, वो एकदम सही सलामत है, किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उठ गया था बाद में 2 घंटे बाद जाकर के वो, और उसके अलावा मैं क्या कह रहा था, आई ऑल्सो रन अनदर चैनल विच इज अ व्लॉगिंग चैनल, अगर आपको सिर्फ स्टैंड अप देखना है तो डोंट कम ऑन दैट चैनल, दैट इज अबाउट द रेगुलर लाइफ और मजे वजे जो हम दोस्तों के साथ मारते हैं फैमिली के साथ मारते हैं उसके बारे में, तो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल और आई विल बी स्टार्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग वेरी सून, उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में होगा, आ जाओ उसके ऊपर भी, तो लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे बहुत जल्दी, उसके अलावा विल बी डूइंग मोर लाइव शोज ऑनलाइन लाइव शोज टिल द टाइम देयर इज अ लॉकडाउन, विल बी डूइंग ऑनलाइन लाइव शोज, तो उन लाइव शोज के भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, इंडिया का शो और अभी US वाला शो करने वाले हैं उसका लिंक ऑलरेडी डाल रहा हूं, और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट डेट का शो का लिंक पक्का रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लो और आ जाओ और बस दोस्तों मजे मारते फिर, चलो जी सब्सक्राइब कर देना और बाकी चैनल भी देख लेना अगर वो अच्छे लगे तो, डू कम ओवर देयर आल्सो, थैंक यू बाय, मैं कमरे च कैद बैठा खुश आ, मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुश आ।